तो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के V3 डिवाइस के अंदर आप इन फिंगर डिस्प्ले लॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं अगर आपको डेमो दिखाऊं तो यहाँ पर मैं पावर को बंद करता हूँ फिर ऑन करता हूँ, तो अभी हमारे पास जो सेंसर आपको दिख रहा है इसको मैं क्लिक करूँगा इस तरह से, तो हमारा जो फ़ोन है प्रॉपरली अनलॉक्ड हो जाएगा। सो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर, सो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम इसको सिंपली यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप इसका यूज करेंगे अपने फोन के लिए। तो यहां पर एप्लीकेशन है जिसका नाम है Vivo Themes, आप इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, इजीली अवेलेबल मिल जाएगा वहां पर। जस्ट हम इसको ओपन करेंगे और इसका यूज इंटरफेस इजी है काफी, थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, एक दो अभी ज्यादा नहीं, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा इस फॉर्म में, जहाँ पर आप फ्री के थीम्स भी अगर चाहें तो यूज़ करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। गाइज यहाँ पर सब फ्री है, इसके लिए पैसे वगैरह कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि काफ़ी थीम्स हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करो और ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इन फिंगर लॉक के लिए हमें कौन सी थीम यूज़ करनी है जो हम यूज़ करेंगे। यहाँ से कैटेगरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ है लाइक स्टिकर थीम्स, वीवो ओल्ड थीम, ओल्ड फोन, और यहाँ पर फंटच ओएस ब्यूटीफुल थीम्स, फंटच ओएस 11.1 थीम्स। तो आपको क्या करना है, फंटच ओएस वाले थीम्स पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक करा, अब स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर ओरिजिन ओएस करके एक थीम्स मिलेगी। हालांकि ये ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो 7th नंबर की थीम्स है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि मेरे फोन के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम फिर भी डाउनलोड करेंगे और यूज़ करके आपको दिखाएंगे। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ एड्स वगैरह आती है जिसे यूज़ करने पर तो एड्स को आप यहाँ से कट करेंगे, तो हमने यहाँ से एड्स को क्लोज करा। इसके बाद डाउनलोड एंड चेंज थीम का ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले हमें चेंज करने से पहले हमें डाउनलोड करना होगा इस थीम्स को, सिंपली हम डाउनलोड पर प्रेस करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर डाउनलोड की स्पीड हमारे देख सकते हो कुछ अच्छी खासी तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, इजीली डाउनलोड हो जाएगा हमारे फ़ोन के अंदर। तो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर, उसी हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 25 MB का थीम्स है, तो उसी हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। अब गाइज यहाँ पर एड्स दोबारा से आ रही है, एड्स को हम क्लोज करेंगे यहाँ से, कट क्लोज वीडियो। इसके बाद चेंज थीम देन ओके का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ से हम किसी और पर्टिकुलर थीम्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम चेंज थीम पे क्लिक करते हैं तो इस थीम्स को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हालांकि मेन फिंगर लॉक लगाने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा, सिंपली चेंज थीम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस चेंज थीम पे करने के बाद हमारा जो ये जो एप्लीकेशन है आईथीम एप्लीकेशन, इसके अंदर आ जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम। तो इसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को प्रॉपर लोड होने देना। हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी ये थीम एप्लीकेशन थी और थीम भी थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको ट्राई करा था, इसलिए हम इसको लोकल पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप इस पेज को प्रॉपर लोड होने देना, इसके बाद आगे का प्रोसीजर आप फॉलो करना। सिंपली लोकल पे क्लिक करना, लोकल थीम्स पे जाना, जहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे करके तो यहाँ पर डाउनलोडेड थीम्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें हमने जो थीम्स डाउनलोड करी है वो यहाँ पर है। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई और लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि इसका कोई फ्री ट्रायल वगैरह नहीं है, आप इसको लाइफ टाइम के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ये जो थीम्स है प्रॉपरली हमारे फ़ोन के अंदर ईजिली अप्लाइड हो जाएगी। देख सकते हो अप्लाइंग हो चुकी है और सक्सेसफुली अप्लाइड भी हो चुकी है। अब अगर हम दिखाएं तो होम स्क्रीन पर हमारे जो थीम्स है कुछ ऐसी दिख रही है। और गाइज हम बात करें तो इसके फिंगरप्रिंट की, तो मैं उससे भी आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि आपको फिंगर सेंसर कैसा शो कर रहा है। तो पावर को हम बंद करेंगे, पावर को ऑन करेंगे और यहाँ पर देखिए सेंसर हमारे पास आ रहा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे पहले इसे यूज़ करने से पहले अपने फ़ोन के जितने भी पासवर्ड वगैरह हैं सबको रिमूव करना है, ताकि ये जो थीम एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली आपके फ़ोन के अंदर वर्क कर पाए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये प्रॉपर ओपन लॉक हो जाएगा। सो आई होप गाइज आप समझेंगे कैसे इसका यूज़ करना है। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।